Hey guys, welcome back to my channel. This is me, Ankita. और आज मैं आपसे share करने वाली हूँ कि मैंने Nykaa hot pink sale से क्या-क्या लिया है. But उससे पहले guys, let's just talk a little bit. आपसे request कर रही हूँ कि please guys, if you really like my videos and really like my channel, then please do comment. अगर कुछ अच्छा ना भी लगे, तो भी comment करके मुझे बताइए कि ये चीज़ अच्छी नहीं लगी या ये चीज़ सही नहीं थी या आपका जो भी advice हो या आपके कोई भी suggestions हो, वो please मुझे comment section में दीजिए. It would be great help. तो मैं मतलब वो होता है ना यार कि एक जन बात करता रहे तो अच्छा नहीं लगता है. दो जन एक कॉन्वर्सेशन जो होती है ना, वो दो जनों के बीच में होती है तो वो और अच्छी लगती है. तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे बताएं कि मैं क्या किस तरह के वीडियोस ज़्यादा बनाऊँ, क्या करूँ, ताकि मुझे भी इजी हो कि मैं जानती हूँ कि हाँ भाई मुझे ये बनाना है, क्योंकि वो लोग ये देखना चाहते हैं. तो प्लीज़ मुझे वैसे सपोर्ट करिए और आज के वीडियो के लिए अब आगे बढ़ते हैं. So guys, starting off with today's video, the first thing that I bought from the Nykaa Hot Pink sale is this. This is the LA Girl eyeshadow palette and ये मुझे मिला है 1875 रुपीस का, but actually इसकी cost है 2500. वो मुझे पिंक जो हॉट पिंक सेल है उसमें, तो ये ऐसा दिखता है. लुक हाउ प्रिटी दैट इज़. और इसमें ये सारे कलर्स हैं, दीज आर ऑल द 35 शेड्स. इसमें कुछ शिमर है, कुछ डार्क है. तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसको अंदर से. आई हैव नॉट रिमूव द पैकेजिंग ऑल्सो. ये आप देख सकते हो, इट्स स्टिल देयर. अब मैं इसको रिमूव करके दिखाती हूँ आपको. इट्स अ ब्यूटिफुल पैलेट विथ ब्यूटिफुल कलर्स. तो दीज आर द कलर्स. इसमें से कुछ कलर्स मैंने हटा हटा के थोड़ा सा स्वॉच करके देखे थे. सो दिस इज़ द कलर. हाउ ब्यूटिफुल इट इज़. अगर आपको किसी शादी में जाना हो, दीज आर द परफेक्ट कलर्स, क्योंकि ज़्यादातर शादी में लोग गोल्डन, कॉपर यही सब लगाते हैं. तो दीज आर द परफेक्ट कलर्स. देर इज़ सम कोरल कलर्स ऑल्सो. यू आर गेटिंग सम पिंक्स ऑल्सो. और यहाँ आपको ब्लूज भी मिल जाते हैं टू प्ले विथ यू नो कलर्स. इफ़ यू वॉन्ट टू यू नो रियली एक्सपेरिमेंट विथ डिफरेंट आई शेडोज, तो आपको यहाँ कुछ फन कलर्स भी मिल जाते हैं. स्मोकी आई, ब्राउन्स फॉर योर, एंड दिस इज़ अ मैट ब्राउन. तो अगर आपके पास ये पैलेट है, यू कैन डेफिनेटली फिल योर आईब्रोज ऑल्सो. देर इज अ ब्लैक फॉर द काजल थिंग हेयर, एंड दिस देर इज अ मैट ग्रे ऑल्सो. सो गाइज, अगर आपके पास ये खाली पैलेट भी होगा ना, आई थिंक दिस यू आर सॉर्टेड. आपको सारे कलर्स मिल जाएंगे टू प्ले विथ, टू गो फॉर अ डिसेंट लुक, टू गो फॉर अ स्मोकी लुक. एवरी आई शेडो कलर्स यू विल गेट इन दिस. गोइंग टू क्विकली स्वॉच सम ऑफ द कलर्स फॉर यू. लेट्स से दिस वन एंड दिस वन, दिस वन, दिस वन. हियर आर द कलर्स एज यू कैन सी. और अब मैं अपने हाथों में इधर करती हूँ. दिस इज द कलर. आई नो द पिगमेंटेशन इन दोनों की उतनी ज़्यादा नहीं आई है, बट इन दोनों की आई है. आई डोंट नो बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ वॉट, बट अभी तो मुझे ये कलर्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं. लेट्स सी आगे कैसे काम करते हैं. इफ़ यू वॉन्ट टू सी द रिव्यू ऑफ दिस लाइक सेपरेटली, डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली डू इट. तो गाइज, इसमें एक और ऑफर चल रहा था दैट अगर आप कुछ 1500 या 1299 ऐसा कुछ तो था लोगे, तो आपको एक लिपस्टिक फ्री मिलेगी. सो आई गॉट दिस एल ए गर्ल मेटल लिक्विड लिपस्टिक. सो इट्स गिव यू लाइक अ नाइस you know like a metallic finish to your lips. Let me just try this as I'm wearing dark color only. So ye, it gives you a look like this. Yeah, so that's the look it gives. Nice glossy metallic finish. Okay, and the another thing which I bought, which I was really excited about, is this. This is the beauty company rose gold oil, and ये था 1250 रुपए का, 1250 रुपए का, 1250. और ये मुझे सेल में मिला फॉर 1000. सो ये मैंने बहुत लोगों से सुना था कि रोज गोल्ड ऑयल इज़ रियली नाइस, रात में लगाओ और you know you will get all the glowing things in the world. तो इसलिए मैंने ये order किया था, and also मैंने इसको लगाया भी है. To be honest, मैंने इसको कल ही रात को लगाया है, and within like 1 minute ये absorb हो गया यार. I was not very sure, क्योंकि मैं सोच रही थी कि you know गर्मी है तो शायद उतना नहीं हो, क्योंकि as it is मेरी skin oily होती है गर्मी में.
तो बट दिस अब्जॉर्ब लाइक दिस यार, ऐसे अब्जॉर्ब हो गया और बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये लगा के. अभी कुछ रिजल्ट तो ऑब्वियसली नहीं दिखेगा, आई थिंक आफ्टर 15 to 10 days मैं बता पाऊंगी कि मुझे इससे कुछ रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं. बट इसका अब्जॉर्प्शन तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार, जैसे ही लगाया खटाक से बिल्कुल अब्जॉर्ब हो गया. सो दिस एंड मैंने ज़्यादातर स्किन केयर ही लिया है, वो भी बहुत कम. तो अनदर थिंग जो कि मैंने ली है वो है ये है इनिसफ्री सिटी पोल्यूशन डिफेंडर क्लेंजिंग जेल. द रीज़न आई बॉट दिस इज मेरा सिंपल का फेस वॉश ख़त्म हो गया है, हो रहा है, ऑलमोस्ट एंडिंग पे है, तो इसलिए मैंने ये लिया. एंड इसका प्राइस कितने का था ये मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी क्योंकि मैं भूल गई हूँ, बट दिस इज़ द थिंग जो कि मैंने लिया. और फिर उसके बाद मैंने एक ये लिया, दिस इज़ द फेस शॉप चिया सीड हाइड्रेटिंग लोशन. ये मैंने लिया था एक फॉर माई फेस, और इसका भी प्राइस मैं भूल गई हूँ, मैं आप लोग को बता दूंगी. सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई बॉट, द चिया सीड थिंग एंड द इनिसफ्री. तो ये फेस शॉप का है, ये इनिसफ्री का है, बोथ आर कोरियन ब्रांड्स. और मैंने ये रोज़ गोल्ड ऑयल लिया, और मैंने लिया है ये पैलेट, और मुझे ये लिपस्टिक भी मिली. कहाँ गई? हाँ, और मुझे ये लिपस्टिक फ्री मिली, सिर्फ 1, 2, 3, वैसे तो मैंने 4 ही आइटम्स लिए लेकिन मुझे ये फ्री मिल गई. तो मैंने सिर्फ इतना लिया नायका के हॉट पिंक सेल से एंड दैट्स इट. बट आई वाज रियली एक्साइटेड फॉर दिस बिकॉज लुक एट द कलर गाइस, जस्ट लुक एट द कलर, ओह माय गॉड, आई लव इट. सो दीज आर द थिंग्स दैट आई बॉट. अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन को क्लिक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा. और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन दिस इज मी अंकिता सिंह, गुड बाय.